तीन मिनट के अंदर पूरी एसी कूलिंग कर देती है। सबसे अच्छा। खास बात इसकी ये है। सही बात, 180 की स्पीड में चार बार राजस्थान हो आया हूँ। मेरी गाड़ी आज 13,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैं गाड़ी लेके धोखा कर दिया, 50% डिस्काउंट था, हमें होल्ड डाउन ले लिया, तो 1,30,000 रुपए का कुछ हमें फायदा हो गया। सो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं C04 कार्स। भाई अब बिग डैडी तो बहुत सुना होगा आपने, और मार्केट में काफी हाइप बना है इस गाड़ी का, और बिग डैडी के नाम से चल रही है आज के मार्केट में स्कॉर्पियो एन, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं। और स्कॉर्पियो नाम सुनते ही एक अलग ही लोगों का प्यार बढ़ जाता है महिंद्रा की ओर, है ना, क्योंकि काफी टाइम से स्कॉर्पियो एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा टैग बना चुका है मार्केट में, इंडियन मार्केट में। ठीक उसी को नए वर्जन में लाई है स्कॉर्पियो एन के तौर पर महिंद्रा, और जो कि बिग डैडी ऑफ SUV बोलते हैं इन लोग। और आज अपन देखेंगे छोटा सा एक ओनरशिप रिव्यू या फिर ओनरशिप एक्सपीरियंस बोलूँगा, 6 महीने पुरानी स्कॉर्पियो एन Z8L, मतलब लग्जरी टॉप ऑफ द लाइन, 4x2 है ये, और 4x4 वाला नहीं है, बस वही उसी का फ़र्क है इसमें आपको देखने को मिलेगा। और चलिए आइए मैं इस गाड़ी के ओनर से आपको मिलाता हूँ। तो हमारे साथ जुड़े हैं प्रमोद भैया। तो प्रमोद भैया, आप सबसे पहले कैसे हैं? बढ़िया हूँ भैया। गाड़ी का है मामला, कैसे स्टार्ट हुआ आप थोड़ा सा बताइए। सर गाड़ी तो क्या, हमको 2 साल पहले सोच रखा था लेनी थी। हाँ हाँ। बट स्कॉर्पियो लेनी थी, ये हाँ। फिक्स था कि ब्लैक स्कॉर्पियो लेनी है। अच्छा। पर स्कॉर्पियो में ये था कि हम 11 में थे, 11 में थे। पहले क्या 11 आई नहीं थी। हाँ। पहले S2 S5 S ये चली, अब उससे ज्यादा 11 जब आई तो वो टॉप मॉडल लगी, और हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अच्छा। तो राजस्थान में हमारे सिर्फ ब्लैक स्कॉर्पियो ही पसंद करते हैं लोग ज्यादातर। हाँ हाँ। तो हम उसी को लेने के लिए गए थे। अब हाँ। रालास मोटर में मैंने पता किया, भैया स्कॉर्पियो एन चाहिए थी मुझे। हाँ। तो वहाँ पे मैंने पता किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 साल की वेटिंग। अच्छा, 1 साल की वेटिंग। 1 साल वेटिंग है। तो मैंने कहा नहीं सर, हमें थोड़ी जल्दी चाहिए, पापा को गिफ्ट भी करनी थी। तो हमने स्कॉर्पियो 11 को वहाँ जब परचेज करने गए, तो टेस्ट ड्राइव के लिए बैठे ना, वो थोड़ी मुझे कंफर्टेबल कम लगी। हाँ। क्योंकि मेरे घुटने टिक गए थे। हाँ, स्पेस के इसमें थोड़ी लंबाई है। हाँ। और जस्ट जो पीछे बैग में बैठता है उसको भी थोड़ी स्पेस में कमी पड़ जाती है, कमी पड़ अगर जाती मैं है। पीछे सीट करता हूँ तो सही बात। वो लेने गया तो वो हमें बताया गया 21,30,000 रुपए की टोटल 21 लाख। हाँ। उसके बाद मैंने देखा है, तो हमने सोचा बजट बहुत ज्यादा है, बजट के नहीं है, फॉर्चुनर लेवल की गाड़ी है ये। फॉर्चुनर के बाद नंबर देखा जाए तो इसी का आता है, इसी का आता है, बट 2 इंच ऊपर है फॉर्चुनर से भी। तो हमने इसमें टेस्ट ड्राइव जब किया, तो हमें लगा कि इसमें जो स्पंचिंग और गाड़ी का जो सॉकअप वॉकअप और फीचर्स, 3 मिनट के अंदर पूरी एसी कूलिंग कर देती है। सबसे अच्छा। खास बात इसकी ये है कि आप बैठते साथ आप 5 मिनट चलाने के बाद यही सोचोगे कि आप बंद कर दें एसी। अच्छा। को इतनी कूलिंग फास्ट है। और रही बात 180 की स्पीड में, चार बार राजस्थान हो आया हूँ, मेरी गाड़ी आज 13,000 किलोमीटर चल चुकी है, चार बार राजस्थान हो आया हूँ। राजस्थान में मुझे एक भी बार ऐसा जगह नहीं लगा कि मैं गाड़ी लेके धोखा कर दिया। अच्छा। मैं अभी तक और 15 दिन बाद फिर मैं राजस्थान जाने वाला हूँ। 15 दिन बाद और एक ट्रिप लगने वाला, ट्रिप करने वाला हूँ। तो मुझे तो इसमें ऐसा लगता है कि मतलब ट्रेन से जाओ या किसी भी जाओ, मैं 16 घंटे में टच हो जाता हूँ। हाँ, आधे टाइम में। हाँ, दो ड्राइवर अगर हैं चलाने वाले तो 16 घंटा में 1400 किलोमीटर रनिंग काट देती है। अरे बाप रे। पर मिनट में ये 3 किलोमीटर उड़ाती है। हाँ। 1 मिनट में 3 किलोमीटर पूरा रनिंग मारती है। अच्छा। बस रोड अच्छे होने चाहिए। हाँ। सरकार के रोड अगर अच्छे हुए तो गाड़ी दौड़ने में, आप 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ोगे ना। हाँ। फिर भी आपको बगल में ऐसे लगेगा नहीं कि 200 की रफ्तार दौड़ रही है, इसमें इतनी स्मूथ अंदर में है। मतलब महिंद्रा तो काम किया है। हाँ, महिंद्रा ने इसमें दम के काम किया है। अगर ट्रक भी जा रहा है और आप फुल रफ्तार में, तो आपको उसका वॉल्यूम अंदर नहीं आता। सबसे बड़ी खासियत, मतलब केबिन बहुत साइलेंट, केबिन एकदम साइलेंटली है। मतलब गाड़ी जब कांच खोलोगे तो आवाज को आवाज आएगी। हाँ। बाकी अगर कांच जैसे बंद किया था, आप 100-200 की स्पीड में चलाओ, ना हवा ना कुछ नहीं। हाँ। और भैया, जैसे कि आप जान रहे हैं कि स्कॉर्पियो मतलब जो पुरानी वाली आ रही थी। हाँ। अभी भी आ ही रही है, बोल सकते क्लासिक। हाँ, तो वो एक अपने लेवल में वो एक अलग चीज है, बट आप जैसे फैमिली लेवल में जाना चाहो। हाँ हाँ। तो फैमिली के लिए ये बेटर रहती है मेरे कहने से। मतलब उसका दबदबा थोड़ा अलग है, मार्केट में दबदबा थोड़े दबंगई गुंडई वाला हो गया वो। हाँ। अगर उसको लेके जाओ तो फैमिली के लिए कंफर्टेबल नहीं है। इसमें क्या है कि कहीं भी जाओ एक VIP लुक भी आ जाता है। हाँ। और इसमें फैमिली आराम से कंफर्टेबल बैठ जाती है। 7 सीटर है आराम से। इसके सबसे बड़ी खासियत ये कि 18 इंची टायर दिए और बाकी उसमें 16 इंची और 15 इंची ही है आते हैं इसमें टायर के। हुए ब्रेकर वेकर में कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ। आराम से कुदा के ले जाओ। तो जैसे कि पुराने वाले स्कॉर्पियो में अपन देखे तो सेफ्टी रेटिंग के मामले में वो पूरा 0/0 है। मेरे साथ अभी ठीक है हादसा हो चुका है। तो मैं अगर मैं खुदा ना खादसा अगर स्कॉर्पियो N11 लेता। हाँ। तो आज मैं जिंदा नहीं रहता। अरे बाप रे। क्योंकि इस गाड़ी में मैं अभी जब एक्सप्रेस हाईवे में आ रहा था झालावाड़ से, जो कोटा वाला एक्सप्रेस हाईवे,
वो फुल एक्सप्रेस है, मतलब वहाँ पे आप 180 की स्पीड चला सकते हो 200। ठीक है, तो मैं भी 180 की स्पीड पर ही था ये गाड़ी में, इस गाड़ी में। बट जब एक तो ऑटो लॉकिंग ब्रेक है इसका, एक बार दबा पूरे लॉकेट हो जाते हैं। जब वो ब्रिज के ऊपर चढ़े ना, तो सीमेंटेड जो डामरीकरण होता वो दब गया था। अच्छा, तो लोहे के सिले से एक बार ऐसे 12 जर्किंग थी। अच्छा, जो जंपिंग मारती, तो 3 जंपिंग हुई और चौथी जंपिंग में 4 फीट गाड़ी ऊपर रह गई हवे में। अब मेरा दोस्त जो था देवी सिंह, उसने बोला ब्रेक दबा। मैंने कहा ब्रेक दबाऊं कैसे, 4 फीट ऊपर है गाड़ी, मुझे भी अंदाजा नहीं था। अनबैलेंसिंग हुई, कैसे संभाले क्या। पर इसकी जैसे ब्रेक दबाया एकदम स्मूथली, इतनी पंचिंग हुई है और एकदम ऑटोमेटिक साइड में जाके रुक गया था। अगर इस जगह दूसरी गाड़ी होती तो मैं आज नहीं होता। अच्छा, स्प्रिंग जो होते हैं साइड के चारों के, वो बड़े दमदार है। इतना बड़ा अगर गड्ढा भी होता है ना, उस गड्ढे में उड़ाओ तो भी कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो भी पुरानी कमी थी स्कॉर्पियो में, इसमें पूरे भर भर कर इसमें सोनी का दिया हुआ है, 1 नंबर साउंड सिस्टम है, कोई दिक्कत ना इसमें। एकदम वो ज्यादा ट्यूटर बजता है ना, ज्यादा बेस है, मतलब जो सुनने लायक है वैसा पूरा कम्फर्टेबल है। भैया 6 महीने में मतलब आप 13,000 करीब करीब गाड़ी को चला लियो। लुक फॉर्चुनर वाला ही लेता हूँ मैं, फॉर्चुनर वाले आता है, मतलब 25 लाख में फॉर्चुनर का लुक है। इसकी सीट भी ऊंची है, ऑटो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सीट है, इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग है। हाँ, इसमें टोटल और मोबाइल से अपडेट है, कहीं मैं राजस्थान रहा हूँ फिर यहाँ पे अगर मेरे लॉक खुला हुआ है तो मैं वहाँ से मोबाइल से इसको कवरेज कर सकता हूँ। अच्छा, पूरा बंद हो जाएगा। पूरा बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, स्टार्ट करके किसी को अगर मेरे दोस्त फ्रेंड को अगर बोला कि पार्किंग में लगा दें, तो मैं वहाँ से स्टार्ट करके 30 मिनट का डाल सकता हूँ, तो वो पार्किंग लगा सकता है बगैर चाबी के। तो ये गाड़ी लेने से पहले आप जब 21 लाख मतलब आपके पास हाथ में था पहले? ना सर, मैं 8 लाख से स्टार्टिंग हूँ। 8 लाख से स्टार्टिंग मेरे पास, जब मैंने गाड़ी लेने की सोची तो 5 लाख रुपए का बजट था। अच्छा, 5 से फिर मैंने कहा चलो 3 का लोन हो जाएगा, 8 तक का कर देंगे। ठीक है, तो 8 लाख से फिर जब हम देखने गए तो हमको 9.5 की थोड़ी समझ में आई, 9.5 के में फिर नहीं आई, फिर थोड़ा ऊंचा मॉडल में गए, 5 थी वो, फिर 11 में गए तो बोले 12.5 की, तो वो दर्जर हो गई थी थोड़ी, मतलब सेकंड हैंड से स्टार्ट। तो फिर हमने वापस 14 लाख वाली देखी, तो वो भी हमें समझ नहीं आई, क्योंकि वो फिर एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो N11 थी, 1650 की। हम उसको देखने गए घर में आके बोले डिसीजन करे, तब तक वो बिक गई। हमारा दिल दुख गया कि यार एक अच्छी सी मिली और वो भी बिक गई, तो हम नए के मूड में चले गए। अच्छा, फिर नए के मूड में, चलो 16 तक तो पहुंच ही गए हैं। तो नए की, तो फिर नए लेने के बाद जब नए गए तो 21 लाख 30 हजार की वो पड़ रही थी, और ये हमें 2480 की पड़ी। 2480 कहा 3 लाख में जब इतना फ्यूचर्स और इतना सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो पीछे क्यों जाए फिर से, इसलिए हमने इस पे परचेस ले लिया। तो मतलब जैसे कि आप 3 लाख 21 लाख का आपका बजट था, 3 लाख एक्स्ट्रा दे के आप ये गाड़ी उठा लिया है, तो इसके अलावा आप वही 21 लाख के अगर मैं बजट भी लेता हूँ, तो आप कौन कौन सी गाड़ियाँ देखे थे और कि स्कॉर्पियो देखे थे? 19 लाख वाली और देखे थे, करेंस करके है, किया की करेंस देखे थे। बट वो हमें भोकाल लुक नहीं लगी, वो एसयूवी वाला नहीं है, वो थोड़ा बैठी हुई गाड़ी, बैठी हुई में हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए। फिर उसके बाद हमने फिर दूसरी गाड़ी भी देखने गए थे, MG Hector। MG Hector, बट वो 5 सीटर ही थी। हाँ, और उसके बजट, इस बजट में तो ये मिल जा रही है। एक 7 सीटर वाला भी ऑप्शन है, लेकिन वो अपर बजट, वो अपर बजट है, वो 30-35 तक चल देता है। अच्छा, वो ये हमें अच्छा लगा इसमें। हाँ, और कलर तो हमारी चॉइस शुरू से थी ब्लैक, कि ब्लैक ही लेनी है, मतलब ब्लैक का जो टसन होता है। इसकी भी 1 साल की वेटिंग हमें बताई गई रालास मोटर से। हाँ हाँ, 1 साल की, डायरेक्ट हमने मनीष सर से बात कर ली। हाँ, मनीष सर ने भी कहा कि नहीं भैया, वेटिंग तो 1 साल की है ही है, मैक्सिमम आपको 8 महीना तो रुकना ही पड़ेगा। हाँ, हमने कहा नहीं, लेनी तो हमें 15 दिन के अंदर ही है। 15 दिन के अंदर हम श्रीनाथ मोटर्स में गए, ठीक है, बाहर में हम खड़े थे, सोच रहे थे कि अंदर जाए मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमें बाहर से ही खाली लोकेश राजपूत है वो मिल गए, उन्होंने कहा भैया बाहर क्या चाहिए आपको, उन्होंने कहा स्कॉर्पियो एन चाहिए और ब्लैक कलर ही चाहिए, ऑटोमेटिक ही चाहिए, और 4-व्हील ड्राइव ही चाहिए। अच्छा, तो जब अंदर जाके उन्होंने बैठे, चाय कॉफी मंगाई और बताया कि 4-व्हील ड्राइव क्यों लेना चाहते हैं, पहले तो उसका रीजन बताइए आप। रीजन बताया कि मैंने कहा सर कि 4-व्हील ड्राइव के हम राजस्थान से बिलोंग करते हो। हाँ, तो अब 4-व्हील ड्राइव हो गड्ढे वड्ढे में। हाँ, बोले ऐसा कुछ नहीं है भैया, 4-व्हील ड्राइव में एवरेज मार्क आएगा, 8 का एवरेज जाएगा, और 4-व्हील ड्राइव अगर आप लेते हैं तो आपके पास पैसे तो ज्यादा है, तो 3 लाख लगाइए, बाकी मतलब अच्छा इंसान ही होगा जो अगर लेगा, और शौकिया तौर हो। हाँ, कि 4-व्हील में ही जाना है। हाँ, और पैसे बर्बाद ही करने हैं। हाँ, तो आप गड्ढे में कूदाओगे। अच्छा, बाकी 4-व्हील 25 लाख की गाड़ी लेके कोई मूर्खता तो करेगा नहीं, गड्ढे में दौड़ाए। वो उसके लिए हमने कहा 3 लाख बच भी जाएंगे और वो गाड़ी सेम टू सेम, इंजन सेम सब, खाली उसमें 4-व्हील ड्राइव है, उसका फर्क है बस, 2-व्हील भी उतना ही काम करता जितना 4-व्हील है। 4-व्हील में खाली यही है कि कहीं हिल में चढ़ाना है तो हिल ड्राइव इसमें दिया हुआ पहले से ही,
वो एकदम हैवी एक्सट्रीम ऑफ रोड करने के लिए फोर व्हील काम आता है, बाकी छोटे मोटे से कहीं एक चक्का फंस गया कीचड़ में, पीछे का मान लो फंस गया, तो उस समय वो फोर व्हील काम करता है कि आगे के चक्के से जोर से नहीं निकलता, वो काम करता है। तो मैंने लोकेश भैया ने सजेशन दिया तो हम टू व्हील में चले गए, तो मतलब 15 दिन में गाड़ी आ गई। हाँ, उन्होंने सजेशन ये भी दिया कि आपको 6 महीने वेटिंग लगेगी। हाँ। तो हम वहाँ के मैनेजर से बात किए, उन्होंने कहा ठीक है हम अरेंज कराते हैं, फिर उन्होंने 15वें दिन हमें गाड़ी हैंडओवर कर दी। मतलब और हमारा क्रिसमस इतना अच्छा था कि हम 23 तारीख को गाड़ी लेने वाले थे। अच्छा, 23 तारीख 24 से 27 को एक्सपो लगा था छत्तीसगढ़ सरकार का, उसमें RTO 50% डिस्काउंट था, हमें होल्ड डाउन ले लिया, तो 1,30,000 रुपए का कुछ हमें फायदा हो गया और डिस्काउंट, आरटीओ डिस्काउंट, आरटीओ डिस्काउंट। तो हम फिर 30 तारीख को उठा ले, गाड़ी हमारी 22 को पहुंच गई थी यहाँ, वहाँ से जब बॉम्बे से उन्होंने मंगाई तो गाड़ी यहाँ 22 को आ गई, हमें दिखा दी कि आपकी गाड़ी है कम्प्लीट है। हमने कहा ठीक है, अब उन्होंने कैसे सेटिंग की, उन्होंने बॉम्बे से मंगाई कहाँ से, हमें उन्होंने शिवनाथ वाले ने 15 दिन में गाड़ी दे दी। चलो ठीक है, तो ये रहा। और जैसे भी बाकी आपने चला लिया 6 महीना गाड़ी 13,000 किलोमीटर, तो और इसके सर्विसिंग की मैं बात करूं, क्योंकि हैवी इंजन है और महिंद्रा 4,000 रुपये सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत कम है। महिंद्रा का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्विसिंग के तौर पे? अगर सर्विसिंग भी एक नंबर थी उनकी, मैं 3 बार गया, एक बार तो हेडलाइट के नाम से गया था, उन्होंने 2 बार सजेशन किया और तीसरे बार में उन्होंने अच्छे से करके दिया। अच्छा। उन्होंने अपने मैकेनिक को खुद बोला कि नाइट को 8 बजे हाईवे पे ले जाइए, हाईवे पे गए उसके बाद उन्होंने सेटिंग करके दे दी, खाली सेटिंग भरनी थी इसलिए सामने का नहीं थी। और अभी तो लाइट मैंने 12 लाइट लगाई थी, 6,000 रुपये खर्चा करके मैंने इसके ऊपर 12 लाइट लगाई थी। अब 12 लाइट के उस लाइट के कारण जब इसकी सेटिंग हो गई तो 12 लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने वापस खोल दी। अच्छा, चारों बार लाइट। हाँ, मैं देखा था गाड़ी को पहले जब 12 लाइट लगा था। हाँ, 12 लाइट हमने खोल दी और इसकी सेटिंग सही होती है। ये भी बहुत है, 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर रेंज कवर करती होगी हाईवे पे। हाईवे पे हम जब चलते ना, हमें पूरा सामने वाला ट्रक और सब क्लियर दिखता है, पूरे आइट साइड के सब रास्ते। और गाड़ी जो है कितने बार ट्रिप लग चुकी है राजस्थान? 4 बार हो गया, मतलब 6 महीने में 4 बार। 6 महीने में 4, 5, छठवां महीना चल रहा है सर, अभी छठे महीने चल रहा है, 5वां महीना हुआ है, मतलब हो जाएगी अभी और जाना है। हाँ, फिर जाना है अभी। तो इतना रनिंग कैसे, मतलब मैं ट्रेन भूल गया अब। अच्छा, मैं जब भी जाता हूँ तो ट्रेन में ही जाता हूँ, रिजर्वेशन करवा के जाते ट्रेन से पिंडवाड़ा होते हुए, पिंडवाड़ा से फिर गाड़ी में। ये आने के बाद मैं ट्रेन बैठा ही नहीं हूँ और ना फ्लाइट में बैठा, समझ में आता है सीधा 20 घंटे में घर पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते। अगर 4 घंटे का होल्ड डाउन भी लेते हैं तो मिलते हैं, तो 20 घंटे में तो घर टच है। और ट्रेन में जाए तो 35 घंटे लगते हैं और फ्लाइट में पैसे ज्यादा, उतने पैसे में 4 जन इसमें चल देते हैं, तो इसीलिए हमको ये अच्छी लगती है और इसी में चले जाते हैं। और कंफर्ट का कंफर्ट अपना भी, अपना कंफर्ट तो एक नंबर है सर, इसमें आराम से 6 लोग सामने और बीच में बैठ सकते हैं और पीछे सामान जितना लोड कर सकते हो आप। हम तो जब गए तो पीछे बीच के कांच की जरूरत ही नहीं रखी हमने। अच्छा, दोनों साइड के कांच से पीछे देख लेते हैं और पूरा लोड करके चले गए। तो भैया जैसे कि आप बता रहे थे हाईवे में फुल कुदाते हुए जाओ 200-180 कोई दिक्कत नहीं है, अब आती है गाड़ी के माइलेज की बारी। तो मतलब गाड़ी आपको जो कंपनी क्लेम करती है, कंपनी शायद 14-15 का क्लेम करती है, डीजल इंजन है, तो आपको कितना मतलब हाईवे में और सिटी मिला के आपको कितना एवरेज मिल जाता है? चलाने के ऊपर डिपेंड है, इसमें 3 मोड दिए हुए हैं। अच्छा, एक तो जीप है और एक जैप है और जूम है। जब सिटी में कहीं चलते हैं तो जीप मोड लगाओ तो वो 8 या 9 का एवरेज देता है, जैप में 10-10.5 का देता है। और जूम मोड में जब भी लगाओ, जूम मोड हाईवे के लिए होता है, मैं इस बार जब आया हूँ तो 14.3, मतलब 14 किलोमीटर 3 पॉइंट। अच्छा, 10 पॉइंट होता है तो 14.3 एवरेज दिया मुझे, मतलब जो कंपनी क्लेम करती है सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम मुझे मिला। बट चलाने वाले के ऊपर रहता है, चलाने के ऊपर कि आप किस तरीके से चला रहे हो, ज्यादा रोक के चला रहे हो, ब्रेक ज्यादा दे रहे हो। हाईवे में आप एक सलंग 100-120 में चलते रहिए, आपको मेरा मानना है क्योंकि हम भी कहीं रुक गए थे। बाकी आप 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर लगातार चल रहे हो तो आपको 15 भी देगा, ये 15 भी देगा। हाँ, 15 भी, क्योंकि 14.3 तो मिल गया था। हमने उस पे ध्यान नहीं दिया। अच्छा, वो तो अचानक से गया, 14.3 कैसे एवरेज मिल गया। और अभी जस्ट मैं कल ही गया हूँ नया रायपुर, तो मुझे 12.3 मिला है। अच्छा, ये सिटी में होके जा, सिटी से होके जा, सिटी में चलता हूँ तो भी 11-12 मिलता ही है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जितना क्लेम करी है आपको 90% तो मिल ही रहा है। मिल ही रहा सर, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको। तो जैसे कि 5,000 रुपए में डीजल टंकी फुल हो जाती है, 5,000 में फुल। जब भी राजस्थान जाता हूँ तो आधा तो थोड़ा भरा रहता ही है। सिर्फ 2 बार ही डीजल डलाता हूँ, बाकी पूरा पहुँच जाता है, पहुँच जाता हूँ और बसता है 200-300 किलोमीटर का डीजल। अच्छा, मुझे मतलब 9-10 हजार रुपए में राजस्थान पहुँचा देती है। ट्रेन में तो ऐसा है उतरना पड़ता है, ट्रेन में खाओ, इसमें आराम से जहाँ मर्जी पड़ा वहाँ पिकनिक पॉइंट बना लो, कहीं भी खाना खा लो, कहीं होटल में रुक गए, अच्छा लगता है इसमें जाने। इसके अलावा और कौन सी गाड़ी चलाते हैं कि इसके पहले था कोई गाड़ी आपके पास? इसके पहले मेरे पास महिंद्रा की जीप है, ओपन ओपन जीप ओपन जीप
पंजाब में बनाई जाती है वो वाली ली थी, और मैं लवारी महिंद्रा का, मतलब देख रहा हूँ आपका थोड़ा सा टेस्ट जो है काफी मतलब शौकिया तौर का टेस्ट है आपका, मैं देख पा रहा हूँ की तरह तरह ब्लैक गाड़ी होना चाहिए आप जीप भी, व्हाइट कलर थी मैंने जब सेकंड हैंड ली थी तो उसको भी मैंने ब्लैक ही करवाई। अच्छा, शुरू से मुझे पसंद ही ब्लैक है। तो पहले जब सेकंड हैंड लिए थे तब दूसरा कलर था वो व्हाइट कलर था, व्हाइट कलर था तो उसको ब्लैक करवाया। अच्छा, तो वो गाड़ी है अभी? हाँ अभी भी है, गांव में है वो। अच्छा, गांव में। उसको भी मैं लॉकडाउन के टाइम पे ले गया था, जब सेकंड लॉकडाउन लगा था यहाँ से राजस्थान ओपन जीप को। ओपन जीप को अरे भाई 1400 किलोमीटर चला के लेके गए, 1400 किलोमीटर ओपन जीप को चला के। उसमें एक और था कि जब लॉकडाउन लगा था यहाँ छत्तीसगढ़ का 8 तारीख को, 8 तारीख को हम रात को निकल गए थे यूपी काटे हुए होते, तो वो क्या अब थोड़ी पुरानी टाइप की हो गई थी, तो मैंने सर्विसिंग भी कराई थी, बट ब्रेक का क्या छोड़ा सा रहता पॉइंट, वो एक जगह ब्रेक फेल हो गया था। हमने उस जीप में इतना था 160 किलोमीटर बिगर ब्रेक की गाड़ी चलाई, और उसका गाड़ी की इतनी दम थी, मतलब उसमें जो इसुजी इंजन लगा हुआ मोटरबोट जो पानी जहाज चलते ना उसका इंजन मॉडिफिकेशन उसमें हुआ है। अच्छा, वो उस इंजन से चलाया गया था 160 किलोमीटर, हम गियर में खाली कंट्रोल करके नरसिंहपुर तक पहुंच गए, तो गियर वेयर में कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, आधा इंजन मतलब हम ज्यादा दौड़ाए थे, भाई है छोटा वो देवी सिंह, वो क्या स्पीड से दौड़ाया था, जंपिंग वंपिंग कुछ देखे नहीं, हम दौड़ाए गए बस गांव जाना है, क्योंकि लॉकडाउन राजस्थान में भी लगना था तो फास्ट जाना था, तो जो माउंटिंग होता है इंजन का वो टूट गया था और आधा लटक गया था, इंजन लटकन इंजन हुए होते हुए भी राजस्थान पहुंच गया मतलब कि एक से एक वो भी हमें 8,500 रुपए में गांव पहुंचा दी, उसका 18-20 का एवरेज देता है। अच्छा, वो गाड़ी जब भी एक बार रायपुर आएंगे ना उसको लेके आएंगे तो जरूर से जनता के साथ अपन शेयर करेंगे गाड़ी और चला वाला के बढ़िया से दिखाएंगे, तो वेट करना गाइस, अगर आपको वो गाड़ी देखनी है भैया जो बता रहे जीप इनके पास है, फोटो मैं जरूर आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये है स्कॉर्पियो एन का छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस। और भैया जैसे कि महिंद्रा से जो मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कस्टमर शिकायत भी रहा है, आपको कोई ऐसा शिकायत महिंद्रा की ओर से कि? ना सर, महिंद्रा से शिकायत होती है, मैं थार की बुकिंग के लिए वेटिंग नहीं करता। अच्छा, मतलब थार का भी और है वेटिंग? महिंद्रा का ही, अब चाहते तो लोग मिनी भी निकली हुई, जिनी जिमनी वैसे भी है, 2-4 गाड़ियाँ और है, बट हमें तो महिंद्रा ही पसंद आया हुआ है, और थार भी महिंद्रा की, मतलब थार भी कुछ महीनों में आने वाली है, साल डेढ़ साल में आ जाएगी, आ जाएगा मतलब, तो उसका भी चलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा गाइस छोटा सा ओनरशिप एक्सपीरियंस स्कॉर्पियो एन Z8L, जो कि ये 2.2 लीटर का इंजन आपको इसमें मिल जाता है, प्रोवाइड करता है 172 bhp और 400 nm टॉर्क, ये डीजल वेरिएंट है मैं आपको बता दूं। और होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और ये रहे प्रमोद भी हमारे, और कैसी लगी इनकी ओनरशिप रिव्यू जरूर से कमेंट करके बताना, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।